खबर इंदौर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनाने के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रोग्राम में एक बार फिर उनकी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गुड़ कमिश्ती दिखी। विजयवर्गीय मंच से नीचे बैठे थे, ये देख सिंधिया मंच से उतरे और विजयवर्गीय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाए और साथ बैठाया। विजयवर्गीय को मंच तक ले जाने और बैठाने के दौरान पूरा हाल तालियों से गूंजता रहा। 12 दिन पहले ही सिंधिया बेटे महा आर्यन के साथ इंदौर से विजयवर्गीय के घर आए थे। कभी धुर विरोधी रहे सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के घर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हुए सबको चौंकाया था कि पार्टी आगे जो जिम्मेदारी देगी विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में नए जोश से काम करूंगा। दरअसल शनिवार को MPCA का एनुअल अवार्ड फंक्शन शहर के एक प्राइवेट होटल में हुआ। इसमें क्रिकेटर अनिल कुंबले भी शामिल हुए। आयोजन में 4.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि बांटी गई। इस बार की रणजी विजेता मध्य प्रदेश की टीम को 2 करोड़ रुपए दिए गए। एक समय सिंधिया और विजयवर्गीय धुर विरोधी हुआ करते थे। पुरानी अदावत उस वक्त शुरू हुई थी जब 2010 में MPCA के चुनाव में दोनों 2 बार आमने सामने थे। उस समय इस चुनाव ने एक तरह से राजनीति रंग ले लिया था। खासकर विजयवर्गीय गुट ने इसमें दोनों बार सिंधिया ने विजयवर्गीय को शिकस्त दी थी। 2020 में सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद की बीच की दूरियां खत्म हो गई। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया जब इंदौर आए थे तो उन्होंने विजयवर्गीय के घर खाना खाया था। इस दौरान वे काफी देर तक रुके थे। इसके भी कई राजनीतिक मायने निकाले गए थे।